Right. So speaking about Lockheed Chatterjee said, that there is a symbolic lock that they had desired to put at the Mahila committee, and that's exactly what they have done. Now Lockheed Chatterjee was accompanied by Agnimitra Paul and other leaders as well as workers at the State Women's Commission, and what they did was they put on a symbolic lock at the commission's alleged inaction in crimes against women. Running back on the telecast with me, Ranik. Were the BJP leaders, BJP workers in Kolkata, including Lockheed Chatterjee, who gathered outside the Women's Commission office. You showed us the building over there. They visited the officials over there, and they've come out and put a symbolic lock, talking about how the inaction of the Women's Commission in Kolkata against crimes against women is something that is jarring and needs to be corrected. एकदम ही देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिला के ऊपर हमले का घटना सामने आ रहा है, उसी के बाद ही आज बीजेपी की तरफ से वेस्ट बंगाल का जो महिला कमीशन है, वो महिला कमीशन पर वो लोग डेपुटेशन देने पहुंचे। डेपुटेशन देने के बाद ही वो लोग जब मुलाकात किए, मुलाकात करने के बाद महिला के ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहा था उसका जो डिटेल्स, वो डिटेल्स बीजेपी की तरफ से दिया गया है, और देने के बाद ही वो लोग जब बाहर आए, बाहर आने के बाद उन लोगों की तरफ से एक सिम्बोलिक लॉक लगाया गया है, लगाया गया ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो महिला कमीशन है उनका गेट पर, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि लगातार ये पूरा महीने पर, यानी सिर्फ अगस्त महीने पर 7 महिला के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया है, जिसमें 29 तारीख से लेकर 29 तारीख 30 तारीख ये लगातार जो घटना सामने आ रहा है, इसको लेकर ही महिला सुरक्षा को लेकर एक बार सवाल आ रहा है, और महिला सुरक्षा को लेकर महिला कमीशन की तरफ से क्या किया जा रहा है, यही सवाल उठाकर बीजेपी के तरफ से आज ये प्रोटेस्ट दिखाया गया। ये प्रोटेस्ट पे पश्चिम बंगाल का जो महिला कमीशन है, वो महिला कमीशन पर वो लोग एक सिंबॉलिक लॉक लगाया, और उसके पहले महिला कमीशन का जो मेंबर्स है उनके साथ मुलाकात किए, बीजेपी का जो डेलीगेशन टीम, जिस डेलीगेशन टीम पर लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्र पॉल मौजूद थे, और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल बीजेपी का महिला मोर्चा का जो सेक्रेटरी वो भी इधर मौजूद थे, उनके तरफ से ये डेलीगेशन टीम उधर पहुंच के जो डेपुटेशन, वो डेपुटेशन बीजेपी की तरफ से दिया गया, और उसके साथ साथ ही बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि महिला सुरक्षा को इंश्योर करना महिला कमीशन का काम है, और इसी वजह से महिला कमीशन को एक्टिवली काम करना चाहिए। okay. और ये डिमांड को लेकर उन लोगों की तरफ से ये डिमांड दिया गया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.